मैं था पूरब का छैला और वो था पश्चिम का मैला। वो एक होते हैं, मुझसे कुछ ही सेकंड छोटा है ना, तेरी बुद्धि भी छोटी है, लेकिन अपनी बीवी के सामने इतना छोटा कैसे बन सकता है? दिन भर तुझसे पैर दबवाती रहती है। अरे किसी दिन मौका मिले ना तो उसका टेटुआ दबा दे, वो नागमनी तुझे मिलनी चाहिए थी। खुद तो जिंदगी भर कुछ कर नहीं सका, मेरे को सीख दे रहा है। निकल यहां से। खोता था, खोते ही मर गया, लेकिन मैं मरने वालों में से नहीं हूं, मारने वाले में से हूं। ये तेरा स्टेटस, ये तेरा फैमिली ड्रामा, ये जो तेरी यहां पे डाउनलोडिंग हुई है ना, वो मेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से। अब क्या लेने आई मनहूस औरत? मेरा भाई को तो खा गई, अब मेरा तो उससे कुछ लेना देना नहीं। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मदद? कैसी मदद? बिना मतलब के तो मैं अपनी खुद की मदद भी नहीं करता। मैं वो नागमणि आपको दे दूंगी, मेरा मतलब है नागमणि का 50% हिस्सा आपका। पक्का देगी? हाँ। क्या चाहिए? नया परिवार, नई जिंदगी चाहिए मुझे। तो पार्टी में आ रहा हूँ ना, ऑफ कोर्स। नो, आई विल वेट फॉर यू गाइस। हम सब लोग यहीं पर हैं। ओके, आई सी यू। सुनो ना, अब सोनगर से मेरी एक फ्रेंड मुंबई आई हुई है, शादी होने वाली है, क्या मैं उससे मिलने चली जाऊं? दोस्तों को मिलने के लिए पूछा थोड़ी करते हैं। ऑफ कोर्स, आई सी यू। अब मैं इस घर में जब तक पसारा मार के बैठा रहूंगा, जब तक तू मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे देती। नहीं तो मतलब जेजी, आप यहाँ नहीं रह सकते। ए ड्रामेबाज, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना, अगर तूने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो बारी बरसी खतरन गया सी तेरा वो हाल करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकती है। आप ना बिल्कुल मेरे पति जैसे। नहीं 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 नहीं, उसको तो तू थप्पड़ मारती थी ना, लेकिन मुझे नहीं मार पाएगी। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना, तो तेरे इस किराए के घर वालों के सामने मैं तेरा भांडा फोड़ दूंगा। अगर तूने मुझे नागमनी में हिस्सा नहीं दिया, तो तेरा किस्सा यहीं पर खत्म कर दूंगा। इस घर में जो तू बड़ी मां बनकर बैठी हुई है ना, ना तो ये घर तेरा है, ना ही ये घर वाले तेरे हैं। इन किराए के टट्टुओं को तूने पैसे का लालच देकर अपनी मुट्ठी में किया हुआ है ना, ये बात तू भी जानती है और ये बात मैं भी जानता हूं। लेकिन तेरे बच्चे इस बात को नहीं जानते, तेरा रॉकी इस बात को नहीं जानता है कि इस घर में घुसने के लिए तूने किस किस की चटनी पीसी है। तेरा पूरा का पूरा बायोडाटा मेरी मुट्ठी में छपा हुआ है, अगर ज्यादा चू चपड़ की ना, तो पूरे घर में इसे मैं छाप दूंगा। अब मेरी बात सुन, ये मेरी जूती ले, मेरी चप्पल लेके आ, एक दिन इन्हीं चप्पलों से मैंने तुम्हारा सर नहीं फोड़ा तो देखना। की बोली? की बोली? की बोली? मैं क्या बोल सकती हूँ? अरे अपने जेठजी को मैं कुछ नहीं बोल सकती। पैड़ा। हाँ करूंगी ना। ये आपके चरण पादुका पहन लीजिए। जानती मैं तेरे पति से पूरे के पूरे 37 सेकंड बड़ा हूँ। पहले मैं आया दुनिया में, उसके बाद वो आया, लेकिन किस्मत देख, मेरे से पहले मर के वो ऊपर चला गया और मैं आज भी यहाँ बैठ के मजे ले रहा हूँ। और कुछ ला सकती हो आपकी सेवा में? एक गिलास गरम दूध लेके आ, केसर मार के। हाँ, गरम दूध केसर मार के अभी लाई सरकार। मोती, तेरा बुरा समय शुरू हो गया। अब ये जिंदा है? कैसे? यही तो मैं सोच रही हूँ, कैसे? ये मेरी माँ का दुश्मन है, मेरी माँ का दुश्मन, मेरा दुश्मन, पर समझ में नहीं आ रहा कि ये जिंदा कैसे है। यामिनी भी तो मर के जिंदा हुई है, शायद वैसे। चाहे जैसे भी हो, मैं पता लगाऊंगी, कहीं मेरे पापा की मौत में इस आदमी का हाथ तो नहीं। माँ को कई बार कहते हुए सुना है,
कि पापा को कुछ लोगों ने मिलकर मार डाला। मैं पता लगा लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे घर जाना होगा। नहीं, तुम उस घर में मत आना, वहां तुम्हारी जान को खतरा है। उन लोगों को लगता है कि तुम मर चुके हो। मैं पता लगाऊंगी, मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। तुम गुरुदेव के पास जाओ, उनसे पूछो, शायद उन्हें कुछ पता हो। चलो। शिवांगी भाभी, लेकिन इनके घर में तो पार्टी थी, और ये लड़का कौन है इनके साथ? सॉरी, चले। शिवांगी, हेलो। जी हाँ, मैं आ रहा हूँ। ए मोटी, तेरे पति को तेरी आंखों के सामने मारा है मैंने। सबको उल्लू बना सकती है, मुझे नहीं। बोल बोल, उसका आम शक्ल कहाँ से उठा के ले आई? वो अपनी ये रिकॉर्डिंग बंद करेगी तभी मैं कुछ बोलूंगी। बोल चुकी हूँ ना कि वो मेरे पति का भाई है, बड़ा भाई है, जुड़वा भाई है वो। ये तो नीचे बोल चुकी है। वही तो मैं ऊपर भी बोल रही हूँ। वो उस माली का बड़ा भाई है। बड़ा मतलब जानती है कितना बड़ा? सिर्फ 37 सेकंड बड़ा। लेकिन लेकिन उसी की वजह से मुझे ये नाम, ये परिवार, ये रुतबा मिला है। उसी ने मुझे इस घर के अंदर घुसाया है, और आज आज वो खुद इस घर के अंदर घुसाया है। वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। ए और एक्टिंग की दुकान, तो वो यहाँ क्यों आया है? जिसके लिए तू यहाँ आई, नगमनी के लिए। नहीं नहीं नहीं, अपने रूप में आने की गलती भी मत करना, क्योंकि मेरे पास ये है। जोर का झटका, हाय जोरों से लगा, दो बार झटके खा चुकी है काली नागिन, भूल गई। चल अब शांत हो जा। वो मुझसे नागमणि मांग रहा है, पर मैं कहां वो नागमणि उसे देने वाली हूँ? तो जाके कह दे उसे कि उसे कोई नागमणि नहीं मिलेगी। क्यों जाकर कहूँ? हाँ, तू नागिन और वो मधुमक्खी, तुम दोनों कब काम आओगे? जाओ, जाकर उसे खत्म कर दो। 37 सेकंड में खत्म करके आ जाओ। करोगी ना? आए, चल आजा अपने कैरेक्टर में। बड़ा आया है एंकी 2, एंकी 1 मेरा पति। जब मैंने उसे खत्म कर दिया तो क्या चीज है ये एंकी 2? चल चल, जल्दी से अपने रोल में आ जा। जो देखो मुझे देखती रहती, मैं जानती हूँ मैं खूबसूरत हूँ। जान अपने काम पे लग जा। थैंक यू टू, आज तेरा खेल खत्म। ये दोनों कर क्या रही है अंदर? दोनों ने मार दिया एंकी पार्ट 2 को? नहीं, नहीं मार सके। मैंने पता था
मोटी यामिनी मुझे मारने के लिए इच्छाधारी नागिन और मधुमक्खी को जरूर भेजेगी। मेरे भाई को नहीं बख्शा तो मुझे क्या बख्शेगी? पर हूं मैं भी अब पूरी तैयारी के साथ आया हूं। अब मैं तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगा मोटी कि तू भी जिंदगी भर याद रखेगी। तू नागिन, तू मधुमक्खी, दोनों इतनी शक्तिशाली और तुम दोनों मिलकर एक एक आदमी को नहीं मार सके। वो आदमी नहीं तो क्या है? वो मेरा मतलब वो मामूली आदमी नहीं। उसके पास ऐसा कुछ खास है जिसकी वजह से हमारी शक्तियां काम नहीं आई। अच्छा, एक बात बताओ, उसने तुम दोनों को देख तो नहीं लिया ना? नहीं, वो गहरी नींद में सो रहा था। पर हमें पता लगाना होगा कि उसके पास ऐसा क्या है जिसने उसे बचा लिया। नागमणि का एक और पार्टनर नहीं चाहिए मुझे। ये रोने की आवाज कहाँ? रुचिका, 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 तुम रो रही हो? नहीं, वो मैं क्या हुआ? दोस्त सुना तुम्हारा, मानती हो तो बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? Then, वो मैं मिस कर रही थी तुम्हें। आई एम रियली सॉरी रॉकी, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बुलाने की। मैंने अपने दिल से कहा कि मैं खुश हूं तुम्हें और शिवांगी को देख के, क्या करूं? ये दिल है कि मानता नहीं। रुचिका, यही तो मैं चाहती हूं रॉकी, तुम मेरे पास रहो। एक सेकेंड। हाँ ईशान, बोलो। रोकी, मुझे तुझसे उस टेंडर की बात करनी थी जो तेरी कंपनी दे रही है हमें। हाँ तो फोन पे क्या बात कर रहा है, घर आ जा। हाँ तो मैं जाऊंगा, पर भाभी ने कल रात की तरह मुझे फिर से इग्नोर कर दिया तो। इग्नोर? हाँ, कल रात कैफे में थी वो, शायद अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी लड़के के साथ। कैफे में किसी लड़के के साथ? एनीवेज मैं घर आता हूँ। ओके, आई विल सी। क्या हुआ? नहीं, शिवांगी ने कहा था कि वो किसी दोस्त के वहां जा रही है, उसकी शादी है। पर ईशान का फोन आया कि उसने शिवांगी को किसी कैफे में देखा, कोई लड़के के साथ। शीशा, बीच में तीसरा आ गया है, फायदा उठा ले, रॉकी को अपना बना ले।